राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 18। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 18। यहोवा की विजय और बाल का पराजय। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोमरोन में अकाल भारी था, इसलिए अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता था। और अहाब ने ओबद्याह से कहा कि देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु न मर जाए। और उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले, एक ओर अहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। ओबद्याह मार्ग में था कि एलियाह उसको मिला, उसे छिनकर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलियाह, क्या तू है? उसने कहा, हां मैं ही हूं। जाकर अपने स्वामी से कह कि एलियाह मिला है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति व राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा कि वह यहां नहीं है, तब उसने उस राज्य व जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलियाह नहीं मिला। और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलियाह मिला, फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहां उठा ले जाएगा। सो जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूं। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न और जल देकर पालता रहा? फिर अब तू कहता है जाकर अपने स्वामी से कह कि एलियाह मिला है, तब वह मुझे घात करेगा। एलियाह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब ओबद्याह अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। सो अहाब एलियाह से मिलने चला। एलियाह को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशरा के 400 नबियों को, जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर इकट्ठा किया। और एलियाह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो ले। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। तब एलियाह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य है, इसलिए दो बछड़े लाकर हमें दिए जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा
और कुछ आग न लगाऊंगा, तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाया होगा, वह कहीं गया होगा, वह यात्रा में होगा, वह हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लोहलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर धर दिया, और कहां 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब उन्होंने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर, देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया,
और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया।